और मैंने अध्यक्ष महोदय सुना है इस लॉबी में कि कुछ अधिकार आपके भी छीने जा रहे हैं, उसके लिए हम लोगों को लड़ना पड़ेगा आपके लिए। कोई अध्यक्ष के अधिकार अखिलेश जी सिर्फ विपक्ष के नहीं है, पूरे सदन के हैं। इस तरह की गोलमोल बात आप नहीं कर सकते। समाजवादी पार्टी के अध्यक्ष अखिलेश यादव ने गुरुवार को लोकसभा में वक्फ बोर्ड संशोधन बिल पर सवाल उठाते हुए इसको भाजपा की तरफ से तुष्टिकरण की कोशिश करार दिया। अखिलेश ने इस बिल को धार्मिक आस्था पर हमला बताते हुए कहा कि साजिश के तहत बिल लाया जा रहा है, उन्होंने इसे लोकतंत्र के खिलाफ बताया। इस दौरान अखिलेश ने स्पीकर के अधिकार छीने जाने की बात कही। उनकी इस बात पर गृह मंत्री अमित शाह ने सख्त आपत्ति दर्ज कराई। कन्नौज सांसद अखिलेश यादव ने कहा कि वक्फ बोर्ड में संशोधन का जो विधेयक लाया गया है उसके पीछे गहरी राजनीति है। भाजपा बिल्कुल हताश है, निराश है, इसलिए चंद कट्टर समर्थकों के तुष्टिकरण के लिए यह बिल ला रही है। इस दौरान अखिलेश और अमित शाह के बीच तीखी बहस भी हुई। अखिलेश ने लोकसभा स्पीकर से कहा, महोदय मैंने सुना है कि कुछ अधिकार आपके भी छीने जा रहे हैं। अखिलेश की बात को सुनते ही अमित शाह ने उन्हें बीच में टोकते हुए कहा कि स्पीकर महोदय, ये अखिलेश आसन का अपमान कर रहे हैं। मैं अध्यक्ष जी बहुत धन्यवाद देना चाहता हूं आपका। मैं माननीय सदस्य एन के प्रमाचंद्र जी ने जो कहा और माननीय सदस्यों ने जो कहा, मैं उससे अपनी बात को जोड़ता हूं। ये बिल जो इंट्रोड्यूस हो रहा है, ये अध्यक्ष महोदय बहुत सोची समझी राजनीति के तहत हो रहा है। अध्यक्ष महोदय, जब लोकतांत्रिक तरीके से चुने जाने की पहले से प्रक्रिया है तो उसको नॉमिनेट क्यों किया जा रहा है? वहीं जहां अन्य धार्मिक जो मसले हैं, बॉडीज हैं, उनमें कोई गैर बरादरी का नहीं आता है। मान लीजिए वक्फ बोर्ड में गैर मुस्लिम को शामिल करने का औचित्य क्या बनता है? और अध्यक्ष महोदय, इतिहास के पन्नों को अगर हम पलटें, अगर आप जिला अधिकारी को सब ताकत दे देंगे, उन इतिहास के पन्नों को मैं नहीं पलटना चाहता हूं कि एक जगह पर एक जिलाधिकारी महोदय ने क्या किया था, उसकी वजह से आज और आने वाली पीढ़ी तक को भी सामना करना पड़ा। अध्यक्ष महोदय, मैं नाम नहीं लेना चाहता हूं। और अध्यक्ष महोदय सच्चाई ये है कि भाजपा अपने हताश, निराश, आप तो इस कानून चंद कट्टर समर्थकों के तुष्टिकरण के लिए ये बिल लाने का काम कर रही है। अखिलेश जी, अध्यक्ष महोदय, आज तो हमारे आपके अधिकार कट रहे हैं। मैं याद कीजिए, अध्यक्ष महोदय, मैंने आपसे कहा था कि आप लोकतंत्र के न्यायाधीश हैं, और मैंने अध्यक्ष महोदय सुना है इस लॉबी में कि कुछ अधिकार आपके भी छीने जा रहे हैं, उसके लिए हम लोगों को लड़ना पड़ेगा आपके लिए। अध्यक्ष महोदय, मैं इस बिल का विरोध करता हूं। कोई अध्यक्ष के अधिकार अखिलेश जी सिर्फ विपक्ष के नहीं है, पूरे सदन के हैं। इस तरह की गोलमोल बात आप नहीं कर सकते हो। आप नहीं हो अध्यक्ष के अधिकार के संरक्षक। एक मिनट प्लीज। ये इसलिए लाया जा रहा अध्यक्ष महोदय, अभी हारे हैं अध्यक्ष महोदय, अभी हारे हैं। ओके नो। और दरअसल ये चाहते हैं, नो रिपोर्ट में नहीं जा रहा आपका, कुछ भी रिपोर्ट में नहीं जा रहा। नाम बुलाइए सर।